अभी मैं हूँ करशान, वेस्ट बंगाल, और ये मेरे पीछे यहाँ पे एक क्रूज स्पॉट है, क्रूज पॉइंट है, करशांग रेलवे स्टेशन 4864 फीट फ्रॉम सी। ये है करशांग, जहाँ पे मेरे दोस्त का घर है, और ये यहाँ पे टॉय ट्रेन के इंजन खड़े हुए हैं। लोकल मार्केट ऑफ करशांग वेस्ट बंगाल। तो ये करशांग डिवीज़न जो है वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है, और अभी मैं मॉर्निंग वॉक पे हूँ। यहाँ पे आलम का घर है, अभी सामने ही टी गार्डन है उसके घर के बराबर में, तो मैं उधर ही वॉक पे जा रहा हूँ मॉर्निंग के टाइम। करशांग वेस्ट बंगाल की मेन मार्केट, क्योंकि दार्जिलिंग और करशांग में ज़्यादा टी ही होती है, और यहाँ पे वर्कर्स भी है जो टी पत्ती तोड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखो, तो ये पूरा ऊपर करशांग है। Don't you wanna go further? Away from the fray. और ये टीवी टावर दूर से कुछ ऐसा दिखता है, और ये है वो पॉइंट, ईगल पार्क जो है वहाँ पे, तो दूर से कुछ ऐसा दिखता है ये। ऊपर का व्यू ऐसा है, सामने फोग है, माउंटेन भी दिख रहे। ये रास्ता जाता है यहाँ से करशांग में टी गार्डन की साइड, और पीछे ये मेरे फ्रेंड का घर आलम का, फॉरेस्ट ऑफिसर करशांग, रामकृष्णा स्कूल, और ये माउंटेन पे लगे हुए टी के ट्रीज। बेसिकली लीफ नहीं है, तो जैसे जैसे गर्मी आएगी इन पे लीफ भी आ जाएगी। अभी तो ये बिल्कुल झाड़ी लग रहे हैं, जो टी के पेड़ है, प्लांट है। बट मॉर्निंग वॉक के लिए ये रूट भी अच्छा है, मॉर्निंग वॉक भी हो गई और करशांग एक्सप्लोरिंग भी हो गई। और ये वॉक कर करके मैं पहुंच गया ईगल क्रैक करशांग। चलते आगे चल के देखते क्या है। ईगल क्रैक का 10 रुपीज़ का टिकट है, और ये टिकट काउंटर है यहाँ पे, और ये बेसिकली एक पार्क टाइप बना रखा है इन लोगों ने माउंटेन की चोटी पे। बच्चों बच्चों के लिए और शाम को टहलने के लिए, और ये साइटिंग के लिए बना रखा है, साइटिंग के लिए बना रखा है बेसिकली, और चारों तरफ आयरन की फेंसिस कर रखी है कि कोई बच्चा बच्चा नीचे ना गिर जाए यहाँ से। और यहाँ से पूरा करशांग क्लियर दिखता है बिल्कुल। ये अपने सामने करशांग इन वेस्ट बंगाल। और ये देखिए दार्जिलिंग का मौसम कितना डायनेमिक है, अचानक से धूप आ रही थी और अचानक से बादल आ गए, और ऐसा लगता है कि बादल में ही हम ड्राइव कर रहे हैं अभी। क्लाउड्स जैसे फॉग होता है अपनी साइड में नॉर्थ में, ऐसे ही यहाँ पे नॉर्थ ही एक्चुअली अभी एक तरीके से, बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्लाउड्स एकदम आते हैं यहाँ पे, और ठंड भी एकदम से बढ़ गई। अब बस एक ही दुआ ऊपर वाले से कि बारिश ना हो जाए, नहीं तो हम लोगों की ना बिल्ली बन जाएगी भीगी हुई, हालत ख़राब हो जाएगी। देखिए कितने नीचे आते, ऐसा लग रहा है जैसे फॉग हो गई हो। वाह, ठंड भी बढ़ गई और क्लाउड्स भी आ गए, और हम लोग अभी वापस जा रहे थे घर पे।
के हसीन वादियाँ और उनपे माउंटेन पे बादल, मौसम व्यू। और यहाँ का जो भाई सिलीगुड़ी चाट पाटी हो, यहाँ का जो मौसम है अचानक से बदलता है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे धूप थी और फिर अचानक से एकदम से बादल आ गए, पता नहीं कैसे जादू की तरह आ गए। ये विजिबिलिटी कम होते हुए ब्यूटीफुल व्यू, बस ब्यूटीफुल थी, ये ड्रास्टिक ना हो जाए अगर बारिश हो गई तो।